भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ संयोजितागंज थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोले, महेंद्र आर्डिया सहित बीजेपी के नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेवा पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में दोषी पाते हुए कैलाश विजयवर्गीय और कई बीजेपी नेताओं सहित 350 से ज्यादा व्यक्तियों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया है। बता दें कि 3 जनवरी की दोपहर को कैलाश विजयवर्गीय सांसद शंकर लालवानी ने रेजिडेंसी कोठी पर भू माफियाओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर एक धरना दिया था। यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था, जिससे नाराज होकर कैलाश विजयवर्गीय और शंकर लालवानी सहित दूसरे बीजेपी नेता संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी के रेसिडेंसी स्थित बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर हंगामा मचाया था। वहीं इस दौरान विजयवर्गीय ने अधिकारियों को धमकी देते हुए शहर में आग लगा देने की बात कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। रेसिडेंसी कोठी में हुए प्रदर्शन के संबंध में जो धारा 144 इंदौर में लगी हुई है और उसके उल्लंघन के संबंध में श्री कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव भाजपा सांसद श्री शंकर लालवानी के साथ में लगभग 350 व्यक्तियों द्वारा कल धारा 144 का उल्लंघन किया गया था, जिसके संबंध में थाना संयोगितागंज पर आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया धारा 188 IPC के तहत।